नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जब से पटना पहुंचे हैं राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बयानों के तीर एक दूसरे पर चल रहे हैं और निशाना साधा जा रहा है और बयान भी ऐसे कि सियासी पारा ही चढ़ जाए। जी हाँ, दिग्विजय सिंह ने आज एक बार फिर से पीएम मोदी पर हमला बोला है। पत्रकारों से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को अपने परिवार की चिंता है, उस परिवार की जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, और अब ये नया परिवार बन गया है जिसमें सारे भ्रष्टाचारियों का परिवार है और पीएम को उन्हीं की चिंता है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बहुमत हासिल करेगी और जीत उन्हीं की होगी और बिहार और यूपी में तो इंडिया गठबंधन की लहर दिख रही है। वहीं उनसे जब ये पूछा गया कि कांग्रेस के लोग डर रहे हैं कि तीसरी बार पीएम मोदी बन जाएंगे तो क्या होगा, तो इस पर दिग्विजय सिंह ने पहले तो हंसा, उसके बाद उन्होंने कहा कि असल में पीएम के सपने में कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस उन्हें सता रही है और वो खुद डरे हुए हैं। स्वाति मालीवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मसला आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का नहीं है, इसीलिए कांग्रेस इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता गरीबी की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, पीएम को इसकी चिंता नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने। कहा है कि देश और समाज से कोई चिंता कांग्रेस की नहीं है, सिर्फ परिवार की चिंता है। जी हाँ, जिस तरह से उनको उनके मोदी परिवार की चिंता है, वो मोदी परिवार जिसमें सारे भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी का परिवार नया बन गया है, जिसमें सब वो लोग हैं जिन पर कि खुद मोदी जी ने और अमित शाह जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो सब अब मंत्री मुख्यमंत्री बन गए हैं, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनको केवल उनकी चिंता है कि कैसे उनके प्रकरण समाप्त किए जाए। पीएम कह रहे हैं कि यदि तीसरी बार सरकार बनेगी तो कांग्रेस के लोग डर रहे हैं और इंदिरा गांधी का नाम निशान तक मिल जाएगा। देखिए, उनको असल में सपने में भी कांग्रेस सता रही है, इतने डरे हुए हैं। क्योंकि ये मसला अब आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का नहीं है। सर, पीएम ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और इंडिया, आप इसके अलावा जनता क्या कह रही है? जनता गरीबी की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, उससे आपको कोई चिंता नहीं है। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह को, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप लोग पीएम की बात क्यों करते हैं, जनता की बात करिए, जनता गरीबी की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, पीएम को इसकी चिंता नहीं है। वहीं जब इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन से पूछा गया तो शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दिग्विजय सिंह अब आ गए हैं बिहार में तो इसका ये मतलब है कि शून्य पर आउट होगी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन शून्य पर आउट होगी। वहीं उमेश कुशवाहा ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा कि पांचवें चरण में जो मतदान हुआ है सभी जगह एनडीए की लहर है और पहले से पांचवें चरण तक जो चुनाव हुए हैं 24 सीट में हमारी एनडीए की बढ़त है, 24 में 24 हमारे हैं, इंडिया गठबंधन जीरो पर आउट होगी, उनका हाल वही होने वाला है। पीएम के बार बार बिहार आने पर विपक्ष के द्वारा किए गए सवाल पर उमेश कुशवाहा ने कहा कि पीएम को लोग सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की करिश्माई जोड़ी को सब लोग पसंद करते हैं, हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि पीएम बिहार आ रहे हैं, लोगों का इंतजार है, लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है, सन ऑफ मल्लाह को लेकर घूम रहे हैं, उन्हें 4 तारीख को पता चल जाएगा, जो 3 सीट सन ऑफ मल्लाह को दिया है लेकिन उन्होंने समाज की बात करने वाले सहनी ने 1 भी सीट सहनी को नहीं दिया। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, इसीलिए जनता 40 सीट पर जीत देगी। शाहनवाज हुसैन ने भी विपक्ष पर हमला बोला है, इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष कह रही है, जब उनसे कहा गया कि विपक्ष कह रही है कि आप मोदी पुतिन को बुला लें, किम जोंग को बुला लें प्रचार के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने वाला, तो इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्हें तो सहनी के अलावा कोई नहीं मिल रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हमारा शाहनवाज हुसैन नाम है और शाहनवाज हुसैन क्या चीज़ है वो दिख जाएगा 4 जून को। शाहनवाज हुसैन फिर क्या कर रहे हैं, हम तो कैंपेन कर रहे हैं तो हम लोग हैं ही, तो फिर उन्हें बुलाने की ज़रूरत क्या है। तो आपको दोनों बयान सुना ही देते हैं, शाहनवाज हुसैन का और फिर उमेश कुशवाहा का, सुनिए। हर जगह एनडीए एनडीए है, बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। आज भी जो वोटिंग हो रही है उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, बिहार में कोई शक नहीं है। और हम तो एक चीज ये भी देख रहे हैं
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, पूरा बिहार इंतजार कर रहा है, पूरा बिहार मोदी 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 कर रहा है और पूरे बिहार का मूड एनडीए की तरफ है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप या किम जोंग को बुला लीजिए, हार एनडीए गठबंधन की निश्चित है। उनको तो मुकेश सहनी के अलावा कोई मिल नहीं रहा है और वो हमें कह रहे हैं कि पुतिन को बुला दीजिए, तो हम लोग क्या हैं? हम लोग जो कंपेन कर रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, उमेश कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, शाहनवाज हुसैन, ये काफ़ी नहीं लग रहा है क्या उनको? जो पुतिन को बुलाएंगे, उनको तो कोई मिल नहीं रहा है, हमें कह रहे हैं बुला लीजिए। वाह वाह वाह। सर, दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि मोदी परिवार में सब भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। दिग्विजय सिंह मुख खोलते हैं तो कांग्रेस का नुकसान होता है और दिग्विजय सिंह बिहार आ गए इसका मतलब जीरो पे आउट हो जाएगी महागठबंधन। इसमें भी विरोधी का ही चाल है। सबसे पहले तो आज जान लीजिए कि जो पंचमा चरण का जो चुनाव हो रहा है, तो जो ये मतदान हो रही है, सभी जगह एनडीए का लहर है। ये आप कह सकते हैं कि जो प्रथम चरण से लेकर पंचमे चरण तक के जो चुनाव है, ये 2400 सीट में हमारी एनडीए की बढ़त है। 24 में 24 हमारी है, वहाँ है जीरो। जो इंडिया गठबंधन है उसका जीरो, और वही हाल होने वाला। जो छठे चरण में भी हम लोग प्रचार करके आए, पाँचवें चरण में हम मतदान करके आए और छठे चरण के प्रचार करने गए, और प्रचार करने गए जहाँ छठे चरण में, वहाँ भी लोगों का जो उत्साह देख रहे हैं, युवा चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, सब लोग का जो उत्साह देख रहे हैं, पूरा एनडीए के पक्ष में लहर है, गुलबंद है। विकास बनाम विनाश की लड़ाई है, लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की लड़ाई है। तो सब लोग जो है परिवार तंत्र लोकतंत्र पर हावी न हो, इसके लिए लोग गुलबंद है, वोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पूरे बिहार के लोग सुनना चाहते इसलिए यहाँ तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी को और नीतीश कुमार जी के जोड़ी को, जो है करिश्माई जोड़ी को, सब लोग पसंद करते हैं। तो ये हमारे लिए तो गौरव की बात है। बिहार आ रहे हैं, बिहार जो है उनके पलके बिछाए हुए, उनको एकदम स्वागत में लगी हुई है बिहार। अरे विपक्ष के पास कोई है क्या? हमारे शनवास साहब ने ठीक ही नहीं कहा कि बस उसको जो है जो संडम मलाह के लेके घूम रहे हैं, उनको पता चलेगा 4 तारीख को जो उनको 3 सीट मिलने का काम किया, उनको जो गठबंधन जो है दिया 3 सीट, 3 सीट में एक भी सीट नहीं। आप सहनी समाज की बात करते हो, जब सहनी समाज की बात करते हो तो एक भी सीट सहनी समाज को नहीं बाहरी। आप सहनी समाज के लीडर, हमारे नेता तो जाति धर्म की राजनीति करते नहीं। हमारे नेता तो सब बिहार के पूरे जो ये 14 करोड़ जनता है, 14 करोड़ जनता के लिए बिहार के को पूरा परिवार मानते हैं। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और देश की तरक्की के लिए, बिहार की तरक्की के लिए दिन गया। हर बार क्यों 4000 बोल देते हैं? अक्सर उनके मुंह से ये निकल जाता है 400 के। अरे 400 के पार जीतेंगे, चलिए इस बार जो बिहार के 4400 सीट है एनडीए के झोली में जाएगी और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की झोली में जाएगी। अरे क्या हार रहे हैं ना, हार रहे तो यही सब आप सब बोलेंगे, बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते सब जनता समझती है। तो आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को। दोनों का कहना है कि मूड एनडीए की तरफ है, 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगी। तेजस्वी यादव के ये कहने पर कि पुतिन और डोनाल्ड को बुला लें फिर हार निश्चित है, शाहनवाज ने कहा कि उनको मुकेश सहनी के अलावा कोई मिल नहीं रहा है और वह हमें कह रहे हैं कि पुतिन को बुला दीजिए, हम लोग ही काफ़ी हैं और हम लोग जो कैंपेन कर रहे हैं वही जीत के लिए काफ़ी है, उनको कोई मिल नहीं रहा है और हमें कह रहे हैं बुला लीजिए। दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जहां जहां जाते हैं वहां स्थिति खराब होती है और अब दिग्विजय सिंह यहां आ गए हैं, इसका मतलब साफ है कि बिहार में खाता भी नहीं खुलने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज 5वें चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। हाजीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर, इन ये 5 सीटों पर आज मतदान हुए हैं और अब छठे चरण की तैयारी हो रही है। 25 मई को वोटिंग होगी छठे चरण में और फिर अंतिम चरण 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी और फिर 4 जून को नतीजे आएंगे
और तब पता चल जाएगा कि बिहार में किसने बाजी मारी और किसको अब वनवास जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।